सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय सरपंच व ग्रामीणों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ जंक्शन के खारची ग्राम में संचालित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय को यथावत यहीं रखने और अंग्रेजी माध्यम को अन्य स्थल को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर आज खारची ग्राम सरपंच और प्रदेश जनता दल उपाध्यक्ष और सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रकट कर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। गौरतलब है कि यह विद्यालय वर्षों से संचालित है और यह खारची ग्राम पंचायत का एकमात्र सीनियर उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय है, जहां पर 424 नामांकन है। साथ ही इसी विद्यालय में 100 से अधिक छात्राएं शारदेय छात्रावास में निवास करती हैं। यह विद्यालय समूचे उपखंड मारवाड़ जंक्शन का साइकिल वितरण केंद्र भी है और बोर्ड कक्षाओं का केंद्र भी है। साथ ही समस्त उपखंड के विद्यालयों का पुस्तक वितरण केंद्र भी यही विद्यालय है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार इस विद्यालय को हिंदी की जगह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कमोन्नत किया गया है, जबकि यह शुरू से ही हिंदी विद्यालय ही है। अंग्रेजी माध्यम के अनुसार यह विद्यालय हो जाने से इस गांव के एकमात्र विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अध्ययन करने में परेशानी होगी। साथ ही 100 से अधिक शारदेय छात्रावास की छात्रा ये जो कि इसी विद्यालय खारची, ये एकमात्र हिंदी मीडियम स्कूल है जो खारची ग्राम पंचायत की आती है। इसमें मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के तीसरे नंबर स्थान पर 426 नामांकन हैं। अब इसको इंग्लिश मीडियम बनाया गया है, जबकि इंग्लिश मीडियम ब्लॉक स्तर के ऊपर बनाई जाती हैं। तो ब्लॉक स्तर के ऊपर मारवाड़ जंक्शन में विद्यालय भवन हैं, उसके बावजूद राजनीतिक कारण की वजह से इसको इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है, जिसमें 426 बच्चे जो कि गरीब वर्ग के तबके के आते हैं उन सबको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये अगर इनको निकाला जाता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर खारची में दूसरा विद्यालय इनको देना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच ने भी इसका विरोध किया है, ज्ञापन दिया है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे अन्यत्र जा नहीं पाएंगे, स्कूल दूर पड़ती है। राजस्थान सरकार ने 1,34,00,000 रुपए की लागत से बालिका छात्रावास का निर्माण कराया है। इसमें कम से कम 100 बालिकाएं पढ़ती हैं। अब ये बालिकाएं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बाजार में पढ़ने जाएगी, फिर खाना खाने यहाँ आएगी, तो उनका आने जाने में समय पूरा हो जाएगा। इस विद्यालय के अंदर नोडल केंद्र है, ब्लॉक पुस्तक वितरण केंद्र है, ब्लॉक स्तर की साइकिल वितरण केंद्र है, यहाँ पर BLO है और इसी को नोडल केंद्र बनाया गया है, और इसमें स्टेट ओपन बोर्ड का केंद्र भी है। विभिन्न प्रकार की स्कीम राज्य सरकार की इसी विद्यालय में चलती हैं। ये सारी स्कीमें खत्म हो जाएगी। हमारा अनुरोध है, सरकार से निवेदन है।